एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भावनाज हैंगआउट में आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ गरम मसाले की रेसिपी। मसालों को समझना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, और मसालों को जब समझना मुश्किल काम नहीं है तो इनसे गरम मसाला बनाना भी बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आज हम घर पे ही एकदम बढ़िया खुशबूदार मार्केट से भी अच्छा गरम मसाला बनाएंगे। बस इसके लिए आपको फिलहाल वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना होगा। अगर आपको मेरे चैनल पर और भी रेसिपीज देखनी है तो इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके भी और सारी रेसिपीज देख सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा किचन में और शुरू करते हैं गरम मसाला बनाना। गरम मसाले में बहुत सारे मसालों का यूज़ होता है और मसालों को समझना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए एक बार आप मेरे साथ देख लीजिए कि हम कौन कौन से मसाले इसमें यूज़ करेंगे। इसमें जाएगा तेज़पत्ता, दालचीनी, साथ में यूज़ करेंगे छोटी वाली हरी इलायची, जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची जिसे काली इलायची भी कहते हैं, धनिया और जीरा। ये गरम मसाले के बेस मसाले हैं। साथ में चक्री फूल का भी यूज़ करेंगे, सौंठ पाउडर। अगर आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च का यूज़ गरम मसाले में एक अच्छे कलर के लिए कर सकते हैं, और गर्मियों में गरम मसाला बना रहे हैं तो एक चम्मच आप उसमें सौंफ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शनल हैं। अब कढ़ाई में इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि मसालों में जो भी थोड़ी बहुत मॉइस्चर है वो निकल जाए और एक अच्छा गरम मसाला हमारा बनके तैयार हो। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें इन्हें 100% बिल्कुल भी नहीं रोस्ट करना है, बस इनके अंदर एक खुशबू आने लग जाती है बस वहीं तक हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। और अगर आपके पास में धूप अवेलेबल है तो आप इन्हें एक दिन की धूप लगा दीजिए, तेज़ धूप लगा दीजिए, और उसके बाद आपको ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत फिर नहीं होगी। यहाँ मैंने धनिया और जीरा ड्राई रोस्ट करके निकाल लिए हैं, और अब ये बाकी के मसाले हैं इन्हें भी हम सेम प्रोसेस से इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, और फिर बस कुछ नहीं करना, इन्हें एक प्लेट में हम सेपरेट कर लेंगे और बिल्कुल जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मसाले ठंडे हो गए हैं और इन्हें मैंने जार में शिफ्ट कर दिया है। बस अब ढक्कन लगा के इन्हें हमें बारीक पीसना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बारीक पीस दिया है, तो उसके बाद में ये मसाला कुछ इस तरीके का हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे ये सौंठ पाउडर, और एक बार इसको फिर से चला देंगे ताकि जो ये सौंठ पाउडर हमने इसमें डाला है वो अच्छे से इसके अंदर मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एकदम खुशबूदार गर्म मसाला बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। यह मैंने इसे एक प्लेट में सेपरेट कर लिया है, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रखेंगे। देखा कि कितनी जल्दी और फटाफट गरम मसाला बनके तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपसे फिर मिलूंगी और नई सारी रेसिपीज के साथ में। बस तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।